नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे ऑल न्यू 2024 में ये जो गाड़ी लॉन्च किया है यमा ने, यमा एरोक्स 155 वर्जन एस। वर्जन एस मतलब ये मिलेगा आपको स्मार्ट की के साथ। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपको एरोक्स की जितने सारे सीरीज़ की गाड़ी आपने देखे होंगे, स्कूटर देखे होंगे ना, ये स्कूटर से थोड़ा ऊपर और बाइक से थोड़ा नीचे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतना पावर इंजन भर दिया है ना कंपनी के साइड से। बहुत सारे आपने गाड़ी भी देखे होंगे, उतना BHP की पावर नहीं देता जितना आपको ये एरोक्स 155 देने वाला है। सबसे पहले इसका एक स्मार्ट की वाला फीचर बता दूं, ये इसका पावर बटन मिलेगा। जैसे इसके ऊपर ब्लिंक दबा के रखेंगे ना, ये एक रेड कलर का ब्लिंक करता हुआ आपको मिलने वाला। फिर इस गाड़ी को थोड़ा अंदर की तरफ पुश करिए, फिर आपको ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट वाला प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। फ्रंट से अगर देखेंगे तो बिल्कुल LED सेटअप के साथ मिलेगा। LED DRL यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये देखिए ऊपर से आपको बिल्कुल LED सेटअप मिलेगा। स्प्लिट वाली आपको LED हेडलैम्प मिलने वाला है, और आपको दोनों आपको जो आपको साइड इंडिकेटर या आपको बल्ब का मिलेगा। एक बार मैं आपको साइड इंडिकेटर ऑन करता हूँ, उसके बाद आपको एग्जैक्टली चीज़ें पता चल पाएगा। ये देखिए ऊपर से आप देखेंगे तो ये विंडशीटर जो आपको फाइबर का मिलेगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का मिलेगा। दोनों कलर डुअल टोन कलर का मिलने वाला है, सिल्वर और ब्लैक का कंबाइंड वाली आपको मिलने वाला है। इस साइड में देखेंगे तो यमा का वेजिंग किया हुआ मिलेगा, बट स्टिकरिंग किया गया यहाँ पे आपको सिल्वर गोल्डन कलर का भी स्टिकरिंग यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलेगा दोनों साइड से। इसमें दिखेगा इसके ऊपर एरोक्स करके, यहाँ पे आप इस साइड में आपको दिखा रहा हूँ एरोक्स करके, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में बेजिंग किया हुआ मिलने वाला है। ऊपर आपको सिल्वर गोल्डन कलर का, इस साइड में भी आपको यमा का आपको स्टिकरिंग मिलने वाला है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखो कितना एग्रेसिव लुक के साथ आपको ये मिलेगा। ऊपर वाला फेंडर जो आपको ये सिल्वर कलर का मिलेगा, और ये बिल्कुल छोटा सा मिलेगा। पीछे की तरफ बिल्कुल नेकेट किया गया, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है। सिंगल चैनल ABS के साथ आपको एरोक्स 155 आपको मिलने वाला है। अगर डिस्प्ले प्लेट की बात करेंगे तो 230mm की यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है, और ये सिल्वर गोल्डन कलर की आपको एलॉय व्हील मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी की सीट के द्वारा ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है। 1080/14 इंच का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। और इसका अगर फेयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो बिल्कुल कवर किया हुआ मिलेगा आपको, सिल्वर कलर का मिलेगा। और इस साइड में आपको 155 लिक्विड कूल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलने वाला है। काला कलर का यहाँ पे स्टिकरिंग इस साइड में काला कलर का आपको मिलने वाला है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे लेग रूम बिल्कुल कवर किया हुआ मिलने वाला है। वो साइड पैनल के ऊपर एरोक्स करके बड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिखा हुआ मिलने वाला है आपको, सिल्वर गोल्डन कलर का मिलेगा। ऊपर VBA करके बेजिंग, ओके वर्जन एस मतलब स्मार्ट की फीचर के साथ आपको मिलेगा। इस वाले पर्सन में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा। साइड पैनल में आएंगे तो 155 यहाँ पे बेजिंग किया हुआ मिलेगा, ऊपर ब्लैक कलर के स्टिकरिंग भी मिलने वाला जो है ना इस टाइप का आपको मिलने वाला है। नीचे की तरफ आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आप पकड़ के यहाँ पे बैठ सकते हैं, और दोनों साइड से आपको मैट ब्लैक कलर का फिनिशिंग के साथ आपको ये मिलने वाला है। पीछे वाला प्रोफाइल देखेंगे, टेल लैंप आपको LED का मिलेगा, दोनों इंडिकेटर या बल्ब का मिलेगा। यहाँ पे जो फेंडर है ना, मडगार्ड है, ये बड़ा सा मिलने वाला है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिलेगा, इस वाले पर्सन में आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। यूनियन स्विंग आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर के साथ मिलेगा। और ऊपर वाला मफलर गार्ड ये बड़ा सा दिया गया है, और ये बिल्कुल फाइबर का मिलेगा। अच्छा आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा विथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल। ये जो आपको प्लेट देख रहे हैं ना भाई, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का प्लेट है। और एलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको सिल्वर गोल्डन कलर का मिलेगा। टायर आपको बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है, जो सीएट के द्वारा ऑफर किया गया है। 140 सेशन का है भाई, ये देखो 140/17/14 इंच का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर आपको मिलने वाले। की तरफ लेते हैं, सीट की बात करेंगे तो आपको सिंगल सीट मिलेगा। कुशनिंग की सबसे पहले बात करते हैं, कुशनिंग की बात करें बहुत ही कंफर्ट किया गया है। और इस साइड में सिलाई जो किया है ना भाई, दिखने में और अट्रैक्ट लग रहा है। इसके ऊपर एरोक्स का बेजिंग किया हुआ मिलने वाला है आपको। राइडर वाला जो आपको सीट थोड़ा नीचे की तरफ किया गया, और जस्ट इसके ऊपर आपको पिलियन वाला सीट मिलने वाला है। उसके ऊपर थोड़ा आपको स्लोप टाइप का बनाया गया। अगर सीट हाइट की बात करेंगे तो 790mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट मिल जाएगा। टोटल कर्व वेट की बात करेंगे तो 126 kg की ये गाड़ी आपको मिलने वाला है। इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, सबसे पहले ये रहा इसका डिजिटल कंसोल। इसके साइड में आप देख पा रहे होंगे बैटरी का साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। ऊपर आपको ABS, इस साइड में आपको साइड इंडिकेटर मिलने वाला है, डिजिटल घड़ी मिलने वाला है, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल भाई मिलने वाला जो आपको मैंने पहले दिखा चुका हूँ। और इस साइड में आपको कितना स्पीडोमीटर मिलेगा, नीचे आपको कितना किलोमीटर गाड़ी रन किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। और सबसे नीचे आपको फ्यूल इंडिकेटर, ये आपको यमा का बेजिंग किया हुआ आपको लोगो मिलने वाला है। आएंगे तो हाई बीम, लो बीम, और इस साइड में इंडिकेटर वाला बटन, नीचे आपको हॉर्न वाला बटन मिलने वाला। इसका बिल्ड क्वालिटी है ना बहुत ही बढ़िया किया गया, और इसके आगे आपके पास लाइट वाला बटन मिलेगा। जस्ट लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको इंजन किलिंग बटन और हेडलैम्प वाला स्विच, नीचे आपको पावर
पावर स्टार्ट वाला बटन मिलने वाला है। एक और बात बता दूं, यहाँ पे आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल, मैं एक बार चाबी ऑन ऑफ करता हूँ ना, जैसा ये देखो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का दिखाया और इंजन वार्निंग का यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप इस साइड करेंगे, देखो सबसे पहले इसको अगर रोटेट करेंगे अंदर की तरफ करके, ये खुल गया। इस साइड में करेंगे तो आपको ये डिजिटल कंसोल, आपको गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इसको मिडिल में रखिए, ये फ्यूल वाला टैब को दबाएंगे और ये सामने खोल के आपका आ जाएगा। एक और बार मैं दिखाता हूँ, इसको जैसे आप दबाएंगे तो ये खोल के आ गया। ये आपको E20 सपोर्टेड 5.5 लीटर की यहाँ पे आपको ऑयल टैंक मिलेगा। जितने सारे गाड़ी आप देख रहे हैं कोलकाता की, बैरकपुर जयपुर मोड में मताली एंटरप्राइज करके यमा का जो शोरूम है यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर और मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप ये सीट वाला बटन दबाइए, फिर आपको ये सीट ऊपर आ जाएगा। इसका अगर डिक्की की बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा सा डिक्की यहाँ पे आपको मिलने में, बहुत सारे स्कूटर में आप देखे हो इतना बड़ा डिक्की प्रोवाइड नहीं करते, रक्स 155 प्रोवाइड कर रहा है। एक आपको हेलमेट, बहुत सारे सामान इसके अंदर रख सकते हैं और कंपनी के साइड से एक फर्स्ट एड बॉक्स भी आपको मिलने वाला है। मतलब फुटपैड की बात करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा कांटा टाइप का मिलने वाला है और एल्यूमिनियम का मिलेगा, और राइडर वाला फुटपैड आपको इस पर्सन में रख सकते हैं। और इस गाड़ी का अगर इंजन की बात करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको R15 में जो इंजन यूज किया गया, सेम चीज़ यहाँ पे एरोक्स 155 में आपको मिलने वाला। अगर इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन की बात करेंगे तो आपको 155 सीसी की लिक्विड कूल फोर स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व इंजन मिलेगी। नियर अबाउट 15 BHP की पावर मिल जाएगा और टॉर्क भी 14 न्यूटन मीटर की यहाँ पे आपको टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। स्टैंड मिलने वाला है मेन स्टैंड और साइड स्टैंड जो है ना आपको ऑटो इंजन कटआउट फैसिलिटी के साथ मिलेगा। सबसे बड़ी बात होता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, 140 mm की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। अब इस गाड़ी का मेन मुद्दे की बात करते हैं, हर इंसान को क्या होता है ना, जो गाड़ी खरीदता है सबसे पहले इसका सोचता है माइलेज। सिटी और हाईवे में इन एवरेज आपको 30 से लेकर 35 आपको मिल जाएगा। आप इस गाड़ी का अगर टॉप स्पीड की बात करेंगे तो 115 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी दौड़ सकता है। सबसे मेन मुद्दे की बात करते हैं इस गाड़ी का प्राइस क्या है। शोरूम की बात करेंगे तो 1,51,800 में ये गाड़ी मिल जाएगा और ऑन रोड में स्पेशली कोलकाता की बात कर रहा हूँ तो 1,83,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसको डाउन पेमेंट में सोच रहे होंगे तो 30 से लेकर 40,000 देके ये गाड़ी आप ले सकते हैं। फुल्ली डिपेंड अपॉन आपके सिविल कैसा रहेगा उसके ऊपर है गाड़ी, और भी कम में भी आपको मिलने वाला। तो यमा RX 155 का रिव्यू कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार।